धोनी की चाल नहीं आई सीएसके के काम। लखनऊ ने ऐसे जीता मुकाबला। लखनऊ ने 8 विकेटों से दर्ज किया आसान जीत। केएल राहुल ने मचाया तूफान। चेन्नई की गेंदबाजी नहीं आई किसी काम। एलएसजी ने चटाई धूल। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल का 34वां मुकाबला जीत कर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पॉइंट्स टेबल में टॉप स्थान प्राप्त कर लिया। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कानर क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई। टॉस जीतकर केएल राहुल ने गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि टीम के लिए बिल्कुल सही रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा की पारी की मदद से 177 रनों का टारगेट सेट किया। जवाब में लखनऊ ने 180 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी से लाजवाब प्रदर्शन किया। उन्होंने 40 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। जहां एक छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पारी को संभाला हुआ था। सदी हुई बल्लेबाजी कर जडेजा ने 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। चेन्नई को पहला झटका रचिन रविंद्र के रूप में लगा। मोहसिन खान ने उन्हें गोल्डन डक आउट किया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ी पारी नहीं खेल पाई और यश ठाकुर की गेंद पर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथ में अपना कैच थमा बैठे। 68 रन के स्कोर पर अजिंक्य रहाणे का भी विकेट गिर गया, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का मोमेंटम खो गया। कृणाल पांडे ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और लखनऊ को चौथी सफलता दिलाई। इनफॉर्म बल्लेबाज शिवम दुबे भी बेरंग नजर आए और मार्कस स्टोइनिस का शिकार बन गए। मोइन अली ने 6 विकेट के लिए रविंद्र जडेजा के साथ 51 रनों की साझेदारी कर चेन्नई के स्कोर को 140 के पार पहुंचाया। और अंत में एमएस धोनी ने 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 9 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 28 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसकी मदद से चेन्नई 177 रनों का टारगेट सेट कर सकी। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से कृणाल पांडे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। मोहसिन खान, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई और मार्कस स्टोइनिस को 1-1 विकेट मिला। जवाबी पारी में बल्लेबाजी के लिए आई लखनऊ सुपर जायंट्स को सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 90 गेंदों पर 134 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए लखनऊ के सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक पाना बेहद मुश्किल रहा। हालांकि 14.6 ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने क्विंटन डीकॉक को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। वो 43 गेंदों पर 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनका विकेट गिर जाने के बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने 12 गेंदों पर 23 रन जोड़े। मतीशा पथिराना ने केएल राहुल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 53 गेंदों पर 82 रन बनाए। इस प्रदर्शन के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए और 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। चेन्नई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान और मतीशा पथिराना को 1-1 विकेट मिला। ऋतुराज गायकवाड़ के होते हुए भी चेन्नई की कमान लगभग एमएस धोनी के हाथों में ही होती है। ऐसे में उन्हें सलामी जोड़ी को तोड़ने के लिए शुरुआती ओवर में बड़ी गलती कर दी। दरअसल इस मैच में मोइन अली खेल रहे थे, जो कि क्विंटन डीकॉक को 10 पारियों में 6 बार आउट कर चुके थे। धोनी चाहते तो ऋतुराज को सलाह देकर मोइन को पावर प्ले में गेंदबाजी करवा सकते थे, लेकिन मोइन अली ने अपना पहला ओवर 10वें ओवर में डाला। तब जाकर लखनऊ की सलामी जोड़ी 89 रन बना चुकी थी। तो यही वह वजह रही कि चेन्नई लखनऊ को रोकने में नाकामयाब रही और इस वजह से इस मुकाबले को 8 विकेटों से हार गई। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।